उदाहरण 13, यदि ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी हो तो सिद्ध करें कि ए की घात 2 ऋण सी की घात 2 बटा बी की घात 2 ऋण डी की घात 2 बराबर ए सी बटा बी डी। हल, माना ए बटा बी बराबर सी बटा डी, ये हमारे पास दिया है क्योंकि प्रश्न में दिया है कि ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी है। अब हम इस समानानुपात को बराबर के मानते हैं, माना ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर के है। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए हम बी बटा डी को छोड़ के ए बटा बी बराबर के मानेंगे और तिर्यक गुणा करने पर हमको ए का मान बी के प्राप्त होगा। उसी तरह से सी का मान ज्ञात करने के लिए ए बटा बी को हम छोड़ देंगे सी बटा डी बराबर के, और जब अपन इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो सी का मान जो होगा डी के हमें प्राप्त हुआ, सी बराबर डी के होगा। अब जो हमारे पास प्रश्न दिया है उसको सिद्ध करने के लिए हम इसका बायां पक्ष लेंगे जिसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। बायां पक्ष में हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है कि ए की घात 2 ऋण सी की घात 2 बटा बी की घात 2 ऋण डी की घात 2 बराबर, हमने ऊपर में अभी प्राप्त किया ए बराबर बी के, हम ए के स्थान पे लिखेंगे बी के का की घात 2 ऋण सी का मान हमने डी के प्राप्त किया है तो सी के स्थान पे हम डी के रखेंगे, डी के कोष्टक के बाहर की घात 2 बटा बी की घात 2 ऋण डी की घात 2 बराबर। यहाँ पे हम दोनों पदों में ध्यान से देखेंगे तो के की घात 2 है, तो हम इसे कोष्टक को जब हम खोलेंगे तो बी की घात 2 के की घात 2 ऋण डी की घात 2 के की घात 2 बटा बी की घात 2 ऋण डी की घात 2। अब दोनों पदों में क्योंकि यहाँ पे के की घात 2 है तो हम के की घात 2 को उभयनिष्ठ के रूप में निकालेंगे तो हमारे पास कोष्टक के अंदर यहाँ बचेगा बी की घात 2 ऋण डी की घात 2, कोष्टक बंद करेंगे, बटा बी की घात 2 ऋण डी की घात 2। यहाँ पे अंश और हर में बी की घात 2 ऋण डी की घात 2 कट जाएगा और हमें प्राप्त होगा के की घात 2। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसका दायां पक्ष हम लेंगे, प्रश्न में जो हमारे पास दिया है दायां पक्ष जिसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं, तो राइट हैंड साइड में या दाएं पक्ष में हमारे पास प्रश्न में जो दिया है सिद्ध करने के लिए ए सी बटा बी डी है, ये हमारा राइट हैंड साइड बराबर ए सी बटा बी डी। अब ए का मान हमारे पास है बी के गुणा सी का मान है हमारे पास डी के बटा बी डी बराबर, के को जब हम के से गुणा करेंगे तो के की घात 2 गुणा बी डी बटा बी डी, यहाँ बी डी बी डी हम ऊपर अंश और हर में काट देंगे तो हमें प्राप्त होगा के की घात 2 जो कि हमारा
दूसरा समीकरण है। अब समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से हम कह सकते हैं, क्या है, सकते हैं, सकते हैं कि हमारा जो प्रश्न है एक ही घात दो ऋण सी की घात दो बटा बी की घात दो ऋण डी की घात दो बराबर ए सी बटा बी डी। तो हमने देखा कि इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का मान के की घात दो आ रहा है, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हुआ, या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस तरह से दिए गए प्रश्न को हमने सिद्ध किया या इस प्रश्न का हल होगा। व्युत्क्रमानुपात, हम देखते हैं कि एक निश्चित राशि से खरीदी गई वस्तुओं की मात्रा कीमत बढ़ने पर कम हो जाती है, वहीं कीमत घटने पर यह मात्रा अधिक हो जाती है। बस, टैक्सी, साइकिल आदि की स्पीड यानी कि चाल बढ़ाने अथवा घटाने पर उसी दूरी को तय करने में लगा समय घट या बढ़ जाता है। किसी कार्य को पूर्ण करने में लगा समय कार्य करने में लगे व्यक्तियों की संख्या घटाने या बढ़ाने के साथ क्रमशः बढ़ या घट जाता है। यह सब व्युत्क्रमानुपाती संबंध हैं। सोचें एवं चर्चा करें। व्युत्क्रमानुपाती संबंध के ऐसे ही कुछ और उदाहरण खोजकर लिखिए। व्युत्क्रमानुपाती संबंध बहुत सी जगह उपयोग में आते हैं, हम उदाहरण से समझते हैं।